तुम्हें आनंद, तुम आनंद ले रहे हो, मजे ले रहे हो। क्या कहते कोनू हासो, हासो माने हंसना, कोनू माने कैसी ये हंसी, हंस रहे हो। और किमानंदो, कैसा है आनंद, किम और आनंद, किमानंदो, कैसा है आनंद मना रहे हो, कैसी ये हंसी आ रही है। और इधर देखो सारा जल रहा है संसार, तुम भी जल रहे हो इसमें, उस आग में तुम भी जल रहे हो, और फिर तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हें आनंद मना रहे हो। अंधकार न ओनदा, सर्वत्र अंधकार अंधकार है, अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। गवे सत सत अर्थात प्रदीप माने प्रदीप, दिया, प्रज्ञा, प्रज्ञा का दिया। गवे गवे सत गवसना, गवसना माने प्राप्त करना, मिलना। और इस दिए को कब प्राप्त करोगे, अर्थात गवसने का अर्थ सही में होता है खोज करना, शोध करना, शोधना, खोजना। तो ऐसे ये प्रज्ञा का दीपक, अर्थात इस दिए को कब खोजोगे कि यही जीवन चला जाएगा ऐसे ही हंसने में, आनंद मनाने में। और कौन सा आनंद मना रहे हो, कौन सी हंसी। तो बुद्ध कहते हैं कि ये संसार राग से जर रहा है, ये संसार देश से जर रहा है, और उसमें हंसी आ रही है, आनंद मना रही है उसी को, राग को। राग का अर्थ क्या होता है, राग को नंदी कहा गया, नंदी, नंदी शब्द, नंदी माने राग। कुछ शब्द ऐसे जिसको हम लोभ के अंतर्गत आते देखते, लोभी है ये सब, जिसको आसक्ति भी कहते हैं, जिसको हम वासना कहते हैं, जिसको हम चाहत कहते हैं, इच्छा कहते हैं। लेकिन अलग अलग शब्द के थोड़े थोड़े शब्द में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन है वही लोभी है, लालची है, लोलुपता ही है। लेकिन बुद्ध ने उसमें शब्द को नाम दिया, क्या कहते हैं, कतमंच भिक्खवे दुखं समुदयं अरियं सच्चं, इदं खोपन भिक्खवे दुख समुदयं यं अरियं सच्चं, याय तन्हा ओनो भविका, नंदी राग सहगता तत्रा तत्रा भी नंदिनी, नंदिनी यस्थिदं कामतन्ना भवतन्ना विभवतन्ना, इदं खोपन भिक्खवे दुखं समुदयं यं अरियं सच्चं। अर्थात बुद्ध कहते हैं कि नंदिनी माने ये नंदिनी है राग, राग माने कौन सा, तो इसको शब्द है नंदी, नंदी माने आकर्षण, आसक्ति। और ये आसक्ति के कारण झगड़ा है, लड़ाई है, अलह है। और नंदी माने आकर्षण, पता ही नहीं चलता, एक ही बात में नहीं है। आकर्षण का अर्थ आसक्ति, कैसी आसक्ति, ये दिखाई नहीं देती हमें, हम रास्ते में जा रहे और कोई चीज हमें पसंद आ गई तो मन में पसंद हो जाती है और फिर उसके पीछे लगते हम, इसको कहते हैं नंदी। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आप इस नंदिनी तत्रा तत्रा भी नंदिनी, तो ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति जहां नहीं वहां, जहां तहां, कहीं भी आप जाते हैं तो ये नंदिनी, ये जो आकर्षण है, ये आसक्ति है, ये आपके साथ में होती है। और इसी को आनंद समझते हैं, इसी को हम द्वेष, इसी को हम आता हूं मैं। तो ये जो आकर्षण, ये जो आसक्ति है, और ये आसक्ति हमें रुलाती है, ये आसक्ति हमें द्वेष निर्माण करती है। और ये क्यों होता है, अंधकार न ओनद्धा, ओनद्धा माने घेर, घेरा, सर्कल, वो अंधकार के, अज्ञान के हम घेरे में ही है। जैसे मैंने पिछले बार
वो खरगोश का उदाहरण दिया था, खरगोश जैसा तसीनाए उक्कता पज्जा परिसपन्ति ससो व बाधितो, तो अर्थात ससो व बाधितो, तो अर्थात जिस प्रकार वो खरगोश एक बड़े लंबे से रस्सी से बांधा हुआ है और वो खाली गोल गोल ही घूम सकता है उसके बाद, क्योंकि उसको बांध के रखा है, वो बंधन में है। अगर उसको खुला छोड़ेंगे तो वो तो सारा इधर उधर भर इतना दौड़ता है कि पता ही नहीं चलता उसका, लेकिन उसको बांध के रखा है और वो घेरे में ही रहता है। तो ऐसे ही हम अज्ञान अंधकार के घेरे में फंसे हुए हैं और उसके ऊपर हमें दिखाई नहीं देता दुनिया, हम उसी को समझते पूरा। इसलिए हमारी क्या कहते हैं, अंधकार है मैंने अज्ञान के घेरे में हम लिपटे हुए हैं। कब निकलेंगे इस अंधकार के बाहर, कब खोजेंगे दीपक? हाँ, दीपक मैं था प्रदीपं न गवे सत, गवे सत माने खोज करना। कब खोजेंगे हम? बुद्ध कहते कब खोजोगे इस दिया को, प्रज्ञा रूपी दिया को कब खोजेंगे? एक दिन ऐसे ही इसी घेरे में अंधकार के अज्ञान के रहते रहते एक दिन मर जाएंगे। समय निकल जाएगा, संधि निकल जाएगी, अवसर खो जाएगा। फिर कब मिलने वाला है अवसर हमें? बड़ी अच्छी संधि दी है हमें, हमारे लिए भी बाबा साहब ने बहुत अच्छी संधि निर्माण कर दी, बहुत ही अच्छा अवसर दिया है, और इतना अच्छा अवसर दिया है और दिया था सन 56 में दीक्षित करके हमें इतना अच्छा अवसर दिया था, लेकिन हम कहाँ हैं आज? आज भी अवसर है, आज भी मौका है, आज भी हमें कुछ कर सकते, लेकिन आज भी हम अंधकार में बाबा साहब को ऊपर ऊपर देखते हैं, है ना? हमें बाबा साहब को देखने के लिए इतना अच्छा अवसर, इतना अच्छा धम्म दिया है, और धम्म देने के बाद बाबा साहब ने कहा है कि ये सही आनंद ये धम्म में है। हाँ, सही खुशी अगर चाहिए तो आपको ये धम्म में है। कितने कष्ट सहे हमारे लिए वो बाबा साहब ने यहां तक ला कर दिया, लेकिन हम अभी भी अंधकार में पड़े हुए। हाँ, और वो अंधकार क्या है? राग, आकर्षण, आसक्ति, द्वेष। दूसरा आकर्षण है, अगर वो नहीं मिला आसक्ति में, अगर हमें जिस चीज की हमें चाहत है वो अगर नहीं मिली तो हमें द्वेष आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है। हम सुनते ही नहीं, सन 56 में बाबा साहब ने हमें दीक्षा देते समय, सन 56 अर्थात आज कितने लगभग साल हो गए, एक शतक भी हो जाएगा, तो भी हमें समझ नहीं कि बाबा साहब ने क्या कहा था, सुने ही नहीं हमने, क्योंकि सुनने के लिए वो कान चाहिए। हम खाली पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक उपन्यास, एक कादंबरी के समान, और उसको भूल जाते। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, लेकिन हमने आज तक नहीं सुनी, आज तक हमने नहीं सुनी। बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञा क्यों दी थी और सबके सामने दी थी, और उस समय बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। उस समय नेहरू जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे, लेकिन कोई किसी के मजाल नहीं हुई थी बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने की कि आप 22 प्रतिज्ञा क्यों दे रहे हैं। और आज आज यहां तक हमारी स्थिति होगी कि आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे। हाँ, ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि हम सुने ही नहीं। अभी अभी हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने ये दिया सही दिया, लेकिन इतने दिन तक कहाँ थे हम? इसलिए हम आनंद में मजे में है, हमें अच्छी सहूलत मिली, धंधा मिला, नौकरी मिली, और बाबा साहब को हम भूलते जा रहे। बाबा साहब ने कहा था कि जो प्रतिज्ञा को देखता है वो मुझे देखता है, आप प्रतिज्ञा देखेंगे तो बाबा साहब उसमें नजर आएंगे, लेकिन हम नहीं देखते, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। हाँ, अच्छा हो गया बाबा साहब ने सहूलत दी तो हमें पद प्रतिष्ठा के लिए हम लोग खेल खेलते, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, और हम उनके ही जहां में जिस दलदल में हम फंसे हुए थे, जिन्होंने हमें फंसाया था उन्हीं के पैर चाटने के लिए शुरू हो जाते हैं। हमारे जो
तथाकथित नेता लोग कितने सारे हैं, क्योंकि ये सुना नहीं तो कब सुनेंगे हम। बुद्ध ने तीन बातें बताई थी सुनने के लिए, श्रावक, बुद्ध का श्रावक मालूम है ना, श्रावक संगो कहते हम, सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संगो। बुद्ध का श्रावक कैसा रहता है, श्रावक अर्थात ग्रहणशील, सुनता है, और इसीलिए तो वो अर्हत तक पहुंच सकता था। आज हम श्रोतापन्नी भी नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कहते थे बुद्ध को सुनते ही श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर देता था वहां के वहां। आज हम सुनते हैं खाली ऊपर इस कान से, सुनते इस कान से छोड़ देते हैं, और इसीलिए हमारा जो हाल है बेहाल होता है, क्योंकि हमारे अंदर नहीं जाता। हम हृदय का कान करके अगर सुने तो निश्चित हम भी श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, कहां पैसा है लगता उनको, कोई ओहदे की जरूरत नहीं, बस सुनना है सुनना। तो बुद्ध ने तीन बातें बताई थी, ग्रंथ श्रावक, मेरा श्रावक कैसा है, तीन प्रकार है श्रावक के सुनने के। तो पहला प्रकार है, पहले प्रकार में आता है सुनना, तो उसको कहते हैं सुनते जाओ, खाली आप लोगों को सुनो, सुनते रहो, और उसको कहते एक्सप्रेशन ऑफ हियर, हमें सुनने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम शिविर में जब जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है संपर्क सराव, धम्म शिविर जब होते हैं हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के, वहां संपर्क सराव सिखाया जाता है, और वहां वो संपर्क सराव इसीलिए है कि हम कैसा किस प्रकार सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है सुनने की। और हम अगर कहीं इंटरव्यू में जाना है तो वह इंटरव्यू में भी हम आंख में आंख मिलाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो पहली बात है हमें सुनना है, और ऐसा सुनना है कि आगे वालों को पूरा सुनो, लेकिन हम अगर उसने कहा कुछ तो हम भी पहले फटाफट बोलते हैं। संपर्क सराव में आता है एक एक वाक्य, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस कहता है, एक दूसरा कहता है, एक दूसरे को नहीं सुनते दोनों एक दूसरे का, ये पहले बोलता वो पहले बोलता, कि मैं पहले बोलूं वो बोलता है मैं बोलूं, जैसे उनको कहते हैं कि गाय घास खाते तो पहले बोलता है पानी वो ले है। इस प्रकार हम एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, वो कहता है गाय घास खाती है और वो कहता है कि पानी गीले है, गीला है, पानी गीला है, ये एक दूसरे का उत्तर भी नहीं दे सकते ठीक से, क्योंकि हमें अपना अपना बताने के लिए थी। तो इसे सुनना चाहिए, हमें सुनने की जिज्ञासा होना चाहिए, आगे वाला क्या कहता पूरा सुनना चाहिए। झगड़ा क्यों होते है घर परिवार में, झगड़े क्यों होते, सुनना ही नहीं चाहते, मैं कहता वही सुनो, वो कहता है मैं क्या कहता वो सुनो। समाज में भी होता है एक दूसरे के ऊपर सुनने के हम तैयारी नहीं रहते, और ये पहली क्वालिटी हमें निर्माण करना पड़ेगा कि पहले ग्रहणशील होकर सुनिए। अगर हमने बाबा साहब की प्रतिज्ञा सुनी होती तो आज हम यहां तक नहीं पहुंचते, क्या माहौल रहता है, सारा भारत कहते ना बौद्ध में, लोग हमारे तरफ देखकर आ जाते उसी समय से। अगर कहते कि ये जो धम्मा दिया बाबा साहब ने, ये कितने अच्छे लोग हो रहे, हालांकि अच्छी हो गई, सभी लोग अच्छे प्रतिष्ठा पा गए, बहुत सारे अच्छे हो गए, ऐसी बात नहीं है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ उसमें से एक उभरा है, उनके संपर्क में जो भी आता है शुरुआत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों को देखना है हमें। तो बुद्ध कहते पहली बात है कि सुनना, ये कैपेसिटी निर्माण करना है हमें सुनने की, ग्रहणशीलता जिसको हम कहते ग्रहणशील होकर आगे वाला क्या कहता है सुनिए। दूसरी बात क्या है, दूसरा प्रकार क्या है श्रावक का, बुद्ध ने अपने शिष्यों को वो कहते हैं कि प्रज्ञा से सुनो, प्रज्ञा पूर्वक सुनो, प्रज्ञा से सुनो अर्थात विजडम ऑफ हियर,
अर्थात आपको भेद करते आना चाहिए, जो कुछ सुनना है तो उसमें हमें भेद करते आना चाहिए, वरना हमने जो सुना वही सही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। बुद्ध ने कहा था कालम सूत्र में कि जब तक आप अपने बुद्धि के कसौटी पर तोलते नहीं है, चाहे फिर कोई भी किसी ने भी बताई हो बात, हो पूर्वजों की हो या संतों की हो, साधु की हो या घर परिवार के मुखिया की हो या अमीर की हो, यहां तक कि बुद्ध कहते कि बुद्ध भी अगर कह रहे हैं तो भी आप उसको मत मानना, बुद्धि के कसौटी पर तोलो, और वो अगर आपको लगता है कि ये है तब मानो, नहीं लगती तो मत मानो। यहां तक स्वतंत्रता, ये जो है ये बात कालम सूत्र स्वतंत्रता की घोषणा करता है, और इसीलिए हमें प्रज्ञा में हमें जो भी कोई बात सुनना है तो हमें प्रज्ञा से उनकी भेद करके आना चाहिए कि सही है कि गलत है, प्रज्ञा पूर्वक सुनना है, अंतर समझना चाहिए। नहीं तो आज हम देखते हैं कि हम इसको कहते हैं कि किसी ने अगर व्हाट्सएप में कुछ डाल दिया तो हम उसको सत्य मान लेते, अच्छी लकीर मान लेते हैं और फिर हम उनके तरफ हो लेते। फिर किसी ने बुद्ध को कहा कि बुद्ध भगवान है तो मान लेते भगवान, और कोई कहता है बुद्ध भगवान नहीं है तो वो भी मान लेते भगवान। हम प्रज्ञा का उपयोग ही नहीं करते। सात बुद्धन में एक धम्म विचय करके एक धम्म विचय कहते हैं, उसमें दूसरी बात है उसमें धम्म विचय सात बोधन में। अर्थात हमें धम्म विचय क्या कहता है कि कुशल और अकुशल का मिश्रण हुआ है, उसमें से कुशल क्या है और अकुशल क्या है हमें चुनना है, उसमें से अकुशल है उसको बाहर करना है और कुशल को हमें लेना है, अपनाना है, और इसीलिए उसको कहा है कि हंस की उपमा दी है। हंस जो हंस कहते हैं कि हंस दूध और पानी का मिश्रण जो होता है उसमें से दूध दूध पी लेता है और पानी को ऐसे ही रख देता है। बुद्ध ने हंस की उपमा देकर बोधि संबोधि में धम्म विचय की बात कही कि ऐसी हमें प्रज्ञा, हमें ये हमें प्राप्त करनी है प्रज्ञा कि हमें क्या सही है और क्या गलत है इसका भेद करके सही सही लेना है। तो इसीलिए हमें ये जो प्रज्ञा की सुनने की जो बात है, अब यहाँ उस समय सुनने की बात थी बुद्ध के काल समय में, क्योंकि बुद्ध बताते थे या कोई भी बताते थे सुनने पर, तो उस समय कोई बात कोई कापी किताबें तो नहीं थे उस समय, जो भी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन आज हम पढ़कर किताबें पढ़कर वो भी सुनना ही है, किताबें पढ़ते और किसी किताब पढ़े तो हम उसी को सही मान लेते, नहीं उस किताब में तो ऐसा ही लिखा है और आप ऐसा बता रहे हो, तो हमने प्रज्ञा का क्या उपयोग किया हुआ? बाबा साहब ने प्रज्ञा का उपयोग किया ना, बाबा साहब ने क्या किया, सारे धर्मों का ग्रंथों का क्या किया, पठन किया, पढ़े और उस धर्म ग्रंथों में फिर चिंतन किया उन्होंने, और चिंतन करने के बाद में उन्होंने हमारे सामने जो किताबों के रूप में रखा है, शूद्र पहले कौन थे, ये उनका चिंतन है, ये उनकी प्रज्ञा से आया हुआ ग्रंथ है। बुद्ध और उनका धम्म ये सारे त्रिपिटक का निचोड़ है कहते हैं, ये हमारे सामने आया है, चिंतन है, बाबा साहब की प्रज्ञा है। तो हमें भी कोई भी बात किताबों में पढ़ना है, कोई भी बात कहीं भी सुनी है तो हमें एकदम उसको मानना नहीं चाहिए कि ये सही कह रहा, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, ये जो जज कहते हैं ना, जज काय के लिए होता है, दोनों वकीलों की बात सुनता है और फिर अपना आर्गो फिर अपना निर्णय देता है। लेकिन आजकल की जज की भी बात मैं उस समय के अभी जो अंग्रेज के समय के जज थे और अभी के जज में फर्क है ना, भारत का तो हाल हमें मालूम है कि जिसको जो सही बोलता है तो उसको तो निकाल कर फेंक देते, हत्या भी कर देते, जैसे लोहिया जैसी। आजकल की बात तो बहुत ही
दूर है, लेकिन कहने का मतलब हमें प्रज्ञा अगर रहती तो प्रज्ञा से ये खून खराबा नहीं होता, किसी की हत्या नहीं होती, निर्णय सही लिया रहता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा पूर्वक भेद करना आना चाहिए प्रज्ञा से, और ये बात अपने शिष्यों को कहते हैं। इसलिए तो बुद्ध के शिष्य श्रावक जो कहलाते थे और अर्हत तक पहुंचते थे। तीसरी बात कही है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण, प्रज्ञा विडम अर्थात प्रज्ञा पूर्वक भेद करने की क्षमता, सुनने के बाद में हमें भेद करते आना चाहिए। उस कौन क्या कह रहा, भाषण सुनने गए हम, कई कई भाषण नेताओं के सुनते तो हम उसको भी मान लेते नहीं क्या, हमें भेद करते आना चाहिए कि ये सही कह रहा कि गलत कह रहा। और तीसरी बात कही है कंपेशन ऑफ हियर अर्थात हमें करुणा पूर्वक सुनना चाहिए, जो भी बात है हमें हमारी करुणा रहना चाहिए उसमें। देखिए बुद्ध प्रज्ञा और करुणा कितना महत्व देते, जो भी कोई हमें बताता है तो उसकी बात करुणा पूर्वक सुनना चाहिए, लेकिन हम सुनते ही नहीं, हम तो हाँ हाँ करते हैं, फिर रुक जाओ आप ऐसा कहते। अगर कोई संपर्क में आपके पास में आता है कोई, तो आप संपर्क के समय में वो अगर बताते रहा, अगर 10 मिनट लेता तो अरे यही बोल रहा, फिर आप उनको टोकते हैं, लेकिन वो अपना दुख बताता है पूर्ण सुनना चाहिए। अगर कोई हमें अपना दुख बताता है, अपना सारा बताता है, तो वो हल्का करना चाहता अपने आप को, कोई सुनता ही नहीं ना, तभी तो वो अपने पास बताता है। और जब आप सुनेंगे उसका पूरी तरह, तब वो हल्का हो जाता है, उसको लगता है कोई तो भी है इस संसार में मेरी बात सुनने वाला, कोई ना कोई है। और उसको लगता है कि नहीं नहीं अभी तक मैं देखता था, बीवी नहीं सुनती थी, बच्चे नहीं सुनते थे, समाज नहीं सुनता था, मित्र नहीं सुनता था, अरे तुम ऐसा ही लगा रहे हो ऐसा ही, कोई नहीं सुनता था, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको लगता कि मेरा कोई सुनता ही नहीं, मैं सही हूं। लेकिन जब कोई ऐसा सुनता है उसकी पूर्ण बात, तो उसको लगता है कि नहीं है, और वो हल्का हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मैं जब संघ में नहीं था, संघ के पहले की बात कह रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं था ऐसा, लेकिन जिसके घर में किराए से रहता था मैं, जिनके घर में किराए से रहता था, वो आदमी टेलीफोन डिपार्टमेंट काम करता था, और वो चार चार पांच पांच दिन तक दौरे में जाता था, फिर पांच छह दिन के बाद में, चार पांच दिन के बाद में, तीन दिन के बाद में घर आता था। और उनके घर में जब मैं किराए गया, तो मेरे साथ में बात करना था, पूरा बता देता था, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है, बीबी ऐसी करती है, बच्चे सुनते नहीं, ऐसा ऐसा सब। और मैं कम से कम आधा घंटा एक घंटा सुनता था उनका, हाँ हाँ, और बड़ा अच्छा लगता था उनको सुनने के बाद। और उसके बाद उस समय मैं धर्म भी नहीं था, लेकिन मैं सुनता था, उस समय मेरे को भी नहीं समझ में आ जाता कि ये इतना सुना था, लेकिन मैं क्यों सुनता था उस समय, अगर मैं नहीं सुनूंगा इसकी बात तो मेरे को किराए से निकाल देगा बाहर घर से, मुझे डर के मारे मैं सुनता था उस समय। लेकिन वो बात जब संघ में आया, तब मुझे समझ में आया कि किसी की बात अगर सुने, क्योंकि उसके बाद में उसकी पत्नी घर में आई दूसरे दिन और कहती थी बाबा, मेरे को बाबू कहते, बाबू बाबू आपने ऐसा कौन सा मंत्र दिया कि मेरे आदमी को, कि वो मुसलमान थे, वो बोले मेरा आदमी तो एकदम रात को बढ़िया अच्छा सो गया और सुबह ही अच्छी बात करके गया, मुझे भी अच्छा लगा। और उसके बाद में फिर जब भी आता था तो मैं सुनता था, तो बोलते बाबू आपने बहुत अच्छा क्या सिखाते उनको पता नहीं, आने के बाद ना चिड़चिड़ करता है ना कुछ करता है। और उससे मुझे लगता था कि मैं इसलिए सुनता था, मैं क्या बोलता हूँ उनको अम्मा को, हाँ हाँ ठीक है, उसका ही सुनता था, मैं कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन आज समझ में आ गया उसकी बात की, किसी का अगर दुख दर्द सुने तो उसको कितना रिलैक्स लगता है। इसलिए बुद्ध ने ये जो बात कही, करुणापूर्ण सुनना चाहिए हर किसी के बात। और इसीलिए हमें ये तीन बातें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम कब सुने, बाबा साहब ने इतना अच्छा अवसर दिया, संधि दिया, मौका दिया, हमने इतने साल गवाए, और हम आनंद किसमें मनाते, किसमें आनंद मनाते, किसमें खुशी मनाते, किसमें हम हंसते हैं, तो किसी को चिड़चिड़ापन, किसी ने अगर ताने मारने में हमें बड़ा आनंद आता है,
किसी की चुगली चाड़ी निंदा करने में और उनके घर में झगड़ा लगा चुगली करने के बाद, तो उसमें हम आनंद मनाते हैं, हमें हंसी आती है, वाह क्या मस्त झगड़ा लगा दिया मैंने। कोनू हासो किमानंदो, ऐसा ही अगर हम हंसते रहे किसी को, ऐसे हम करते रहे तो क्या होगा। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने ये बात जो कही थी विशाखा, विशाखा नाम की उसकी बड़ी अच्छी उपासिका, महा उपासिका कहते थे उनको, और उस महा उपासिका जब उनका नाम था तो उनके जो श्रावस्ती के कुल श्रेष्ठ कुलीन लोग, हाँ कुल कुलीन अर्थात अच्छे संपन्न घर संपन्न की जो स्त्रिया थी महिला थी, तो विशाखा के पास में जाकर निवेदन किया उन कुल श्रेष्ठ श्रेष्ठी लोगों ने, वो अच्छे संपन्न घर घराने के लोगों ने कि हे देवी हमारे महिलाओं को आप थोड़ी शिक्षा दे। तो ऐसे लगभग करीबन 500 महिलाओं को वो उनको शिकाया करती थी, समझाया करती थी विशाखा। उन्होंने उनके भरोसे छोड़ दिया था और वो उनको 500 कुलीन स्त्रियां कहते हैं, कुलीन श्रेष्ठी की जो श्रावस्ती नगर की थी, और उनको लेकर वो उनको समझाया करती थी। महा उपासी का नाम था विशाखा का। और एक दिन ऐसे ही बुद्ध के पास लेने के लिए गई, वो लेकर गई 500। तो उनको लगा कि बुद्ध के पास जाए तो इन स्त्रियों में बहुत सी स्त्रियां ऐसी थी कि वो बोले अभी हम आदमियों से दूर जा रहे, पति से दूर जा रहे, हम वहां जाएंगे तो आनंद मनाएंगे। तो हम उन्होंने अपने अपने यहाँ का शराब की बोतल लेकर शराब पीना शुरू कर दिया उन्होंने, और शराब पीकर वो विशाखा को मालूम नहीं, और विशाखा लेकर गई बुद्ध के पास में उनको 500 लोगों 500 महिलाओं को। और वहां जब शराब पीकर वो मस्त रही तो वहां क्या होता फिर तमाशा, नाचने लगी बुद्ध के सामने। विशाखा को बड़ा खराब लगा, ये क्या हो गया, मैंने कहां लाया इन लोग को, और ये इन लोग में सोचा था कि ये बहुत अच्छी हो रही है, बुद्ध के पास ले जाती हूँ, सुनेगी प्रवचन और अच्छा आनंद आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। और वो लगभग 500 महिलाएं कुलीन पत्नियां शराब पीकर नाचने लगी बुद्ध के सामने। लेकिन नशा नशा होती है, कब तक रहेगी। बुद्ध ने देखा और फिर बुद्ध ने सब उनकी जैसे जैसे नशा जाने के लिए, तो फिर बड़े प्रभाव से ये गाथा कही, कोनू हासो किमानंदो, क्या मौज कर रहे हो, कौन सी मौज है ये, कौन सी हंसी, किसको नीचे दिखाना चाहते हो, किस लिए करते हो इतना, ये आनंद है क्या, ये शराब पीना ये आनंद है। और पतियों को भी मालूम हो गया था कि इन लोगों ने शराब पी है, पतियों ने सोचा था कि सुधारने के लिए हम अपने स्त्रियों को इनके पास भेजा, और ये वहां बुद्ध को भी अपमानित कर रहे। हालांकि बुद्ध का अपमान नहीं है, इनकी जो आदतें है एकदम नहीं जाती, आदमी की आदतें किसी की भी नहीं जाएगी। तब बुद्ध ने कहा कि ये आनंद नहीं, ये अंधकार है, अंधकार है न वो न था, अर्थात आप अज्ञान के घेरे में हो और इसी को तुम खुशी समझते हो, इसके ऊपर कब दिया खोजोगे, प्रज्ञा का दिया दीपक कब खोजोगे। और फिर बुद्ध ने कहा है उनको कि अज्ञान किसको कहते हैं, फिर बुद्ध ने कहा है कि राग में कैसे हम मस्त रहते हैं, आसक्ति में कैसे रहते हैं, द्वेष में कैसे रहते हैं, और फिर बुद्ध ने कहा प्रज्ञा किसको कहते हैं, प्रज्ञा के पास में आदमी श्रोतापन्न कैसा बनता है। धीरे 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 बुद्ध ने उनके अपने जो आध्यात्मिक अस्त्र है वो खोलना शुरू किए, और वो महिला फिर शांत हो गई है, और उनके पति देव भी आए थे इधर के, वो भी बैठकर बुद्ध की शिक्षा सुन रहे हैं, भिक्षु भी सुन रहे हैं, और फिर उन्होंने प्रज्ञा का अस्त्र खोला। प्रज्ञा अर्थात क्या होता है, प्रज्ञा किसको कहते हैं, और फिर प्रज्ञा कैसी निर्माण होती है, उसके लिए क्या करना है। और फिर उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा के अंग होते हैं 3, श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। यहां से लेकर वहां तक प्रज्ञा का उन्होंने प्रकाश किया, और फिर वो महिलाएं माफी मांगने लगी, और फिर और पतिदेव भी माफी मांगने लगे, और फिर विशाखा को भी बहुत अच्छा लगा, जो विशाखा एकदम नर्वस हो गई थी कि मैंने ये क्या किया,
कहाँ बुद्ध के पास ले गई नहीं, लेकिन जब बुद्ध ने कहा किसी की गलती नहीं, किसी की चूक नहीं है, लेकिन यह प्रज्ञा नहीं होने के कारण ऐसा होता है। और इसीलिए हमें अपने राग को देखना चाहिए, अपने द्वेष को देखना चाहिए, और ये राग और द्वेष अज्ञानता के कारण आता है। और अज्ञानता जब तक रहेगी तब तक हमारे अंदर प्रज्ञा निर्माण नहीं हो सकती। तो प्रज्ञा का दीप अर्थात प्रज्ञा खोजना पड़ेगा, दीपक खोजना पड़ेगा। तो ये दिया कहाँ मिलेगा आपको? तो ये दिया मिलेगा धम्म वर्ग में, ये दिया मिलेगा धम्म शिविरों में, ये दिया मिलेगा धम्म चर्चा में, धम्म परिषद में, संपर्क में, जो अपने संपर्क है, जो विद्वान है, हमारे जो ब्रह्मचारीगण है उनके संपर्क में आकर आपको वहां आपकी प्रज्ञा का दिया, प्रज्ञा रूपी दिया आपके अंदर निर्माण हो सकता है। और धीरे धीरे आपका अंधकार, एक साथ अंधकार बाहर नहीं होगा। और इसलिए बाबा साहब ने जो हमें प्रतिज्ञा दी थी उनमें से कम 8 प्रतिज्ञा हमें पहले देखना है। और ये 8 प्रतिज्ञा में हम कहीं ना कहीं फंसे हैं, अज्ञान अंधकार के यही है। और इसीलिए हमें इस अज्ञान अंधकार से दूर होने के लिए 8 प्रतिज्ञा, कम से कम ये प्रतिज्ञा हमारा दिया है। अगर दिया है प्रज्ञा का दिया निर्माण करना है तो ये 8 प्रतिज्ञा हमें ब्रेन वॉश कर देता है, बाहर निकाल देता है इससे। और ये 8 प्रतिज्ञा है, पहली उसको हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अर्थात हमें देखकर उस पर कार्य करना पड़ेगा। और जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि 8 प्रतिज्ञा हमारे ब्रेन से बाहर निकलना चाहिए। और उसके बाद में जो प्रतिज्ञा है, उसके बाद में जो प्रतिज्ञा है पास सील जिसको हम कहते हैं, है ना, उसके बाद में तो वो सर्व मनुष्य समान है और आर्य अष्टांग मार्ग 10 पारमिता है, इसको भलाई बाद में देखे, लेकिन सील, सील जो 13, 14, 15, 16, 17 ये जो पंचशील है, ये अगर हमारे ब्रेन मस्तक हमारा अगर साफ होता है, वाश होता है, तो ये पंचशील है। और ये पंचशील हमें महत्वपूर्ण है, ये प्रज्ञा का प्रकाश कर सकता है। तो हमें ये गाथा कहती है, कोनु हासो किमानंदो, कैसी ये हसी, कैसा ये आनंद, इधर तो राग से जर रहा है, द्वेष से जर रहा है, और तुम्हें खुशी सूच रही है, तुम्हें आनंद सूच रहा है। कब देखोगे इस अज्ञान अंधकार में, कब खोजोगे इस दीपक को, इस प्रज्ञा रूपी दीपक को कब खोजोगे? आज वक्त है, आज अच्छा मौका मिला है, बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों को, और हमें भी आज बाबा साहब ने अच्छा मौका दिया है, अच्छा अवसर दिया है। बाबा साहब के पुस्तक है हमारे पास में, हाँ, बाबा साहब के कहते हैं, इसलिए तो कहते कि हमारे पास है बाबा साहब की पुस्तक, इसलिए मजबूत है हमारा मस्तक। हम नहीं किसी मंदिर में जाकर देते दस्तक, क्योंकि बुद्ध के चरण में ही होते हैं हम नतमस्तक, क्योंकि हमारे पास में बुद्ध का पुस्तक, बाबा साहब का पुस्तक। तो आपको भी बाबा साहब की किताब बुद्ध और उनका धम्म है उसको चिंतन करें, पढ़िए, सुनिए, अर्थात इसमें 3 जो बातें हैं, पहली बात है उसमें पढ़िए और चिंतन करिए, खोज करिए बाबा साहब की जो बात लिखे, बाबा साहब ने जो किताब, उसमें खोज करेंगे तो आपका प्रज्ञा रूपी दिया जल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सामने।